I would like to continue with a rejoicing story of Bhante's life. तो हम जो भंते जी का जीवन देख रहे थे, उनका पुण्यानुमोदन कर रहे थे, तो हम जारी रखेंगे. And in particular, how Bhante has exemplified the Bodhisattva ideal. और मुख्य तौर पर कैसे भंते जी का जीवन बोधिसत्व आदर्श का एक नमूना है. I was talking about Bhante's perspective on the Mahayana yesterday. हम कल चर्चा कर रहे थे कि भंते जी महायान परंपरा को किस तरीके से देखते हैं. And it's quite interesting that the first real encounter with Buddhism that he had was with a Mahayana sutra. तो यह बात भी बड़ी रुचि देने वाली है कि उनका जो पहला संपर्क आया बुद्ध धर्म का वह महायान सूत्र से हुआ था. And he never really thought, well, I must be this kind of Buddhist or that kind of Buddhist. पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस परंपरा का या उस परंपरा का बौद्ध बनूंगा. He just encountered one of the truth teachings of the Dhamma in this particular form. तो इस विशेष रूप में उनको धर्म से संपर्क हुआ. And he responded to it totally. और बड़े ही पूरे हृदय से पूरे अस्तित्व के साथ उन्होंने प्रतिसाद दिया. Perhaps this influenced one of his key teachings on the Dhamma. और शायद यही एक वजह है कि उनकी जो एक मुख्य शिक्षा है उसके ऊपर उसका असर रहा है. Very early in his approach to Buddhism, he identified the principle of the unity of the Buddhist tradition. बहुत ही शुरुआत के काल में जब भंते जी बुद्ध धर्म के संपर्क में आए तभी से लेकर ही उन्होंने पूरे जो बौद्ध परंपरा है उसमें कैसे एकता बनी रहे इस विषय के ऊपर जोर दिया. He has always been critical of sectarianism within Buddhism. और हमेशा वे जो एक परंपरावाद है उसके ऊपर हमेशा वे आलोचक रहे हैं उनके. My Buddhism is the real Buddhism, not yours. तो ऐसा कहना कि मैं जिस बौद्ध परंपरा को मानता हूँ वही सही है और आपकी गलत है. No, he doesn't like that approach. तो इस तरह का जो यह दृष्टिकोण है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. So he recognizes the value in all of the major developments of Buddhism. इसीलिए जितना भी बुद्ध धर्म विकसित हुआ और अलग अलग शाखाओं में बटा तो वे सभी का अपना एक मूल्य है, ऐसा भंते जी देखते हैं. And that approach was formed very early in his life. और यह जो एक तरीका है, नजरिया है उनका देखने का, वो उनके बहुत ही शुरुआत के जीवन से ही उपस्थित था. The first article he ever wrote about Buddhism was called The Unity of Buddhism. तो उनका पहला लेख जो बुद्ध धर्म पर लिखा गया था उसका नाम ही था यूनिटी ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म का एकीकरण या उसका एक होना. He was 18 years old when he wrote that. और जब उन्होंने यह लेख लिखा तब वे सिर्फ 18 साल की उम्र थी उनकी. So he had an extraordinarily precocious understanding of the Dharma. तो आप सब देख सकते हैं कि उनकी धर्म की समझ बहुत ही अद्भुत थी. And you can trace a central core of ideas that went throughout his life and did not substantially change. तो आप उनके जीवन की ओर देख सकते हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि जो कुछ मुख्य विचार थे उनके वे उनके पूरे जीवन भर बने रहे. Yes, certain things changed, certain things developed. तो कुछ चीजें उसमें परिवर्तन आया, कुछ चीजें विकसित हुई. It took him some time to arrive at his mature conclusions about the relationship between the Mahayana and the Hinayana, for example. तो आगे जाते हुए उनके विचारों में थोड़ा विकास हुआ और उन्होंने देखा कि कैसे महायान और थेरवाद ये दोनों परंपराओं में कैसे संबंध है उनके.
and his insistence on the centrality of going for refuge, that was something that developed a bit later. और जो भंते जी ने शरण गमन इस प्रक्रिया के ऊपर जो जोर दिया इस शिक्षा के ऊपर उसका विकास भी थोड़े समय बाद हुआ उनके जीवन में. But many of his central ideas remained constant throughout his entire life. पर बहुत सारे ऐसी उनकी जो मुख्य शिक्षाएं थी वे हमेशा उसमें सातत्य बना रहा उनके पूरे जीवन काल में. Now I'm going to jump forward and miss a few years out now. तो मैं खुद की लगाऊंगा और कुछ साल बाद की बात करूंगा जहां तक मैंने बात की थी वहां से. He was a teenager. He found employment and such like. But he all of the time he carried on his reading, his interest in the Dhamma. तो जब वे कुमार अवस्था में थे तो कुछ उन्होंने काम किए पर उनकी जो रुचि थी बुद्ध धर्म में वे हमेशा जारी रही. As well as carrying on writing lots of poetry and such like. और अन्य चीजें जैसे कि कविताएं लिखने का उनका जो शौक था वे भी जारी रहा. But then you know what happened. पर उसके पश्चात शायद आपको पता होगा कि क्या हुआ. He was conscripted into the army. तो उनकी भर्ती हो गई आर्मी में. And by great good fortune, he was sent to India. और भाग्यवश उनको भारत भेजा गया. He seemed to have a natural aptitude for sending and receiving Morse code. तो ये एक Morse code होती है, जिसके माध्यम से जो युद्ध के दरमियान जो संदेश भेजे जाते हैं. So he was. तो उसमें वे काफी माहिर थे उसको रीड करने में. So he was spared from having to, you know, learn to shoot and that sort of thing, which I don't think would have suited him at all. तो इसीलिए उनके ऊपर कभी ये जिम्मा नहीं आया कि उनको बंदूक का इस्तेमाल करना पड़े. और अच्छी बात है क्योंकि उसके लिए वे बने ही नहीं. In fact, he hated life in the army. सत्य तो ये है कि उनको ये जो आर्मी का जो जीवन था वो बिल्कुल पसंद नहीं था. And he was very glad to get out of it as soon as possible. और जितना जल्दी हो सके वे छोड़ना चाहते थे. But we do owe the army one great debt of gratitude, and even we owe the Second World War a debt of gratitude for one thing. तो ये दूसरा महायुद्ध है, ये ब्रिटिश आर्मी है, उसके प्रति हम थोड़ा बहुत कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं. उसके पीछे का एक कारण है. It brought Bhante to India. उसकी वजह से भंते जी भारत में आए. I've told you that I worked for Bhante for 4 years. मैंने आपको कहा था कि मैं भंते जी के साथ 4 साल काम कर रहा था. But part of my job was to stay overnight with him so that I could put his eye drops in at night and cook his breakfast in the morning, make sure he was okay. तो उनकी सेवा के लिए मुझे कभी कभी रात भर वहाँ पर रुकना पड़ता था उनके साथ, क्योंकि उनकी आँखों में मुझे कुछ आई ड्रॉप्स डालने होते हैं या सुबह में उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना रहता है. This was one of my favorite parts of the job. तो ये जो कुछ काम थे वो मुझे बड़े आनंद देते थे. I didn't really like writing emails all day. मुझे वो ईमेल लिखने में उतनी कुछ रुचि नहीं थी. I didn't like filing bits of paper. और जो भी कुछ पेपर्स होते हैं उसको फाइलिंग करना वो भी मुझे पसंद नहीं था. I like the parts of the job that gave me more contact with Bhante. तो मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिसकी वजह से भंते जी के साथ मेरा ज्यादा संपर्क बना रहे. And in the evenings sometimes he would like to just sit and chat about what was on his mind. और कभी-कभी रात के दरमियान जो भी कुछ उनके मन में घट रहा होता है तो वे चाहते थे कि उसके बारे में कुछ चर्चा करें. So I've had all sorts of interesting conversations with Bhante about all sorts of strange things. तो बहुत सारे ऐसे ढेर सारे विषयों के ऊपर जो बड़े ही रुचिकर है मेरी भंते जी के साथ चर्चाएं हुई है रातों में. And one evening he was reflecting what would his life have been like if he had not gone to India. और एक रात की बात है शाम की कि वे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि यदि वे भारत नहीं गए रहते तो उनका जीवन कैसा रहा. That's quite an interesting question, isn't it?
तो बड़ा ही रुचिकर ये सवाल. He thinks he would have continued his interest in the Dhamma. वे सोचते हैं कि उनका जो धर्म की जो रुचि थी वो तो बनी ही रहती थी. He would have involved himself in the Buddhist society that was in England at the time. और जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उसके साथ उनके संबंध बने रहते थे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था उस समय का वहाँ पर. He would have tried to meet any Buddhist teachers that were coming to the UK. और जो भी कुछ बौद्ध ऐसे गुरु थे जो यूके में आते थे, तो शायद उनके साथ उनकी मुलाकात हुई रहती थी. And he would have continued his own scholarly interest in Buddhism. और उनके जो कुछ रुचि है बुद्ध धर्म के अध्ययन में, तो वो भी बनी रहती थी. And he thinks that most of the major conclusions he came to about the Buddha Dhamma, he would have come to anyway, even if he had not come to India. और जो भी कुछ बुद्ध धर्म के बारे में मुख्य जो निष्कर्ष पर वे पहुँचे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि यदि वे भारत नहीं भी आए रहते तो वे उस निष्कर्ष पर पहुँचे रहते थे. So he thinks, for example, that the centrality of going for refuge, he would have naturally arrived at that conclusion. तो उदाहरण के तौर पर ये शरण गमन की ये जो मुख्य शिक्षा है, वे उस निष्कर्ष पर पहुंच ही गए होते थे. That's a teaching of his that's not dependent on his involvement in any particular culture or his contact with any particular Buddhist teachers. तो यह जो शिक्षा है शरण गमन की, वे किसी संस्कृति या किसी धर्म गुरु से उसका कोई नाता नहीं था. So he seemed to think there was a kind of inevitability about that that idea. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो विचार है वे होने ही वाले थे, घटने ही वाले थे उनके जीवन में, वे आएंगे. Anyway, he did come to India. फिर भी वे भारत आए. When he was in India, he did what he could to contact Buddhism in India. और उन्होंने काफ़ी कोशिश की ताकि जो भारत में तब भी जो कुछ बुद्ध धर्म था उनके साथ उनका संपर्क बने. Unfortunately, what he found did not impress him very much. दुर्भाग्यवश जो भी कुछ उन्होंने देखा उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. And nonetheless, he remained completely committed to the Buddha Dhamma. और उसके बावजूद भी उनका जो कटिबद्धता है बुद्ध धर्म के प्रति वे बनी रही. Even though he found teachers from the Hindu tradition which were more spiritually impressive than any of the Buddhists he met, nonetheless, he knew that the Buddha Dhamma was what he believed in. हालांकि उस समय के दरमियान वे काफ़ी सारे हिंदू गुरु जो है जो आध्यात्मिक रूप से काफ़ी पहुँचे हुए थे, उनके साथ मुलाकात हुई थी उनकी, पर इतना होते हुए भी उनका उनकी जो श्रद्धा है, उनकी कटिबद्धता है बुद्ध धर्म के प्रति, उसमें कभी भी शंका नहीं उत्पन्न हुई. Perhaps a comparison can be made with Baba Saheb here. और हम बाबा साहेब के जीवन से इसका जो है तुलना कर सकते हैं. We know that Baba Saheb also was not very impressed with the Bhikshu Sangha. हमें यह मालूम है कि बाबा साहेब भी जो भिक्षु संघ है उससे कुछ इतने प्रभावित नहीं हुए थे. What did he call them? An army of idlers. तो उन्हें वे कहते थे कि वो आलसियों की फौज है. And that certainly corresponds to things that Bhante had said. और ऐसी ही कुछ विचार भंते जी के भी थे. Yeah, he thought the Theravada was too attached to the formalistic aspects of monastic life. और उनका भी ऐसा कहना था कि जो थेरवाद परंपरा है वह जो कुछ भिक्षु जीवन है उसके जो कुछ विनय है उसके साथ वे बड़े ही आसक्त थे. He thought that the rule that forbids
bhikshus from doing work was actually quite psychologically unhealthy. It made them, you know, do that. तो जो कुछ ऐसे विनय थे जो कहते थे कि भिक्षु को कुछ भी शारीरिक काम नहीं करना चाहिए वे मानसिक रूप से काफी उतने मदद रूप नहीं थे. Yeah, this made them sort of their energy was stagnant. और उनकी जो कुछ ऊर्जाएं थी वो ऐसे बंधी हुई थी. You can't practice the Dhamma if your energy is stagnant. यदि आपकी ऊर्जाएं ऐसी बंधी हुई है जकड़ी हुई है तो फिर आप धर्माचरण नहीं कर सकते. Your energy needs to flow. आपकी जो कुछ ऊर्जाएं है उसमें प्रवाह बना रहना चाहिए. Anyway, both Bante and Baba Saheb shared some of these criticisms. तो ये जो कुछ आलोचना है हम देखते हैं कि परंपरा के बारे में बाबा साहेब और भंते जी दोनों उनमें समान पाए थे. But they both had the depth of understanding to see beyond the surface. तो वे दोनों ही काफी दूर दृष्टि रखने वाले थे जो भी कुछ परत के अंदर जो कुछ है उसको वे देख पाते थे. They saw that the deep truth teachings of the Buddha Dhamma were real, were true. तो जो कुछ गहन सत्य थे बुद्ध धर्म के वे उसमें बहुत सच्चाई थी. And that enabled them to look beneath the kind of the surface level of institutional forms. तो जो कुछ उसकी वजह से उनको एक क्षमता मिली कि जो कुछ ऐसे परंपरा और संस्था उसके माध्यम से जो कुछ बुद्ध धर्म दिखाई देता था ऊपरी तौर पर उसकी गहराई में जाकर बुद्ध धर्म का क्या सच है वह देख पाए थे. So Bante was determined to get ordination as a bhikshu. और इसीलिए भंते जी बड़े ही दृढ़ निश्चय उन्होंने किया था कि वे अभी भिक्षु करके उनकी दीक्षा हो. But he said later this was not because he particularly wanted to be a Theravadin. वे बाद में कहते हैं कि इसका यह आशय नहीं कि वे थेरवाद परंपरा स्वीकार करना चाहते थे. He just wanted a wholehearted, total dedication to the Buddha Dhamma. वे चाहते थे कि कैसे संपूर्ण हृदय से बुद्ध धर्म के प्रति वे समर्पित हो पाए. And he saw ordination as the way to express that commitment. और उन्होंने देखा कि यह जो दीक्षा लेना भिक्षु करके वह उनकी जो कि कटिबद्धता है उसको वह पूर्ण रूपेण एक स्वरूप देता है. But before he got ordained, he spent 2 years wandering around India with his friend, eventually Buddha Rakata. And before then he had another name. Let's call him Buddha Rakata. तो उसके पश्चात उन्होंने 2 साल उनके जो मित्र है बुद्ध रक्षित उनके साथ वे भारत भ्रमण करते रहे. Yeah, Buddha Rakshita or Buddha Rakata was his ordained name. Before that he was called Satchapriya. Before that he had a secular name that I can't remember. तो ये जो बुद्ध रक्षित है उनका पुराना नाम जो है वो सत्यप्रिय है और उसके पुराना जो नाम है तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. So this period of his life shows just how radical Bante was with his commitment. तो आप देख सकते हैं यदि इस समय काल में आप उसके ऊपर विचार करते तो आपको पता चलेगा कि भंते जी का बुद्ध धर्म के प्रति जो समर्पण था वो कितना परिपूर्ण था. He burned his passport. उन्होंने जो अपना पासपोर्ट है वो भी चला दिया था. He gave away all his possessions. उनकी जो भी कुछ थोड़ी बहुत उनके पास जो कुछ चीजें थी उनका भी उन्होंने त्याग किया था. He thought at that time that he would probably never go back to the UK. और उस समय उनको ऐसा लगा कि शायद वे कभी यूके भी वापस नहीं जाएंगे. He was just trying to make the most wholehearted radical commitment to the Buddha Dhamma that he possibly could. वे कोशिश कर रहे थे कि पूरे मन से कैसे वो बुद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो. Now I talked yesterday a bit about how the Bodhisattva ideal
expresses the altruistic dimension of going for refuge. तो कल हम बात कर रहे थे कि यह जो बोधिसत्व आदर्श है, यह शरण गमन का एक परोपकारी जो पहलू है, वो कैसे अभिव्यक्त करता है? And you could say that the Arahant ideal represents the kind of renunciative aspect of going for refuge. तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो अरहंत का जो आदर्श है, वह यह जो शरण गमन है, उसका जो त्याग का पहलू है, उसको अभिव्यक्त करता है. And we need to have both in our lives. और हमारे धर्म जीवन में दोनों की उपस्थिति होना आवश्यक है. It's no good saying, well, I've just renounced the world, and therefore I don't care about all the suffering that's in it. तो यदि ऐसा हम कहेंगे कि मैंने तो संसार का त्याग किया है, अभी मुझे कोई पड़ी नहीं कि संसार में क्या हो रहा है, तो ये ठीक नहीं रहेगा. That's not the spirit of the Buddha Dhamma. तो ये कोई बुद्ध धर्म का स्पिरिट नहीं है, या फिर उसका जो है चैतन्य नहीं है. On the other hand, if someone is claiming to be very concerned about the suffering in the world, but lives in a multi-million-dollar mansion, surrounded by all sorts of comfort, then they're a bit hard to take seriously, I think. और दूसरे दूसरी ओर यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा ही भव्य जीवन जी रहा है, बहुत धन दौलत है उनके पास, और पूरे ऐशो आराम के साथ जी रहा है, और कह रहा है कि मुझे संसार के दुखों से बहुत ही मेरे लिए वो मायने रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम उतना गंभीरता से नहीं ले सकते हैं. Commitment to the Dhamma requires us to give things up. यदि हम जब धर्म के प्रति कटिबद्ध होते हैं, तो हमें कुछ चीजें त्याग करना आवश्यक होता है. Sorry about that, but it's just the way things are. तो माफी चाहता हूँ, पर ऐसा होता है धर्म जीवन में. I don't always like it either. मुझे भी यह जो पहलू है कभी-कभी उतना पसंद नहीं आता है. We cannot both serve the Buddha Dhamma and serve our search for comfort, for lots and lots of material possessions, an endless succession of sensual pleasures. तो जब हम धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, तो और ये त्याग का हम आचरण करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो इंद्रियजन्य जो सुख है और भौतिकवाद है, और ये जो चीजें हैं जिस इससे हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं. As you know, the Buddha Dhamma, as you know, Baba Saheb chose the Buddha Dhamma for a number of reasons which he gave. तो आपको मालूम है कि कैसे बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म अपनाया, उसके पीछे काफी सारे कारण थे. One of them was that it does not ennoble poverty. और उनमें से एक कारण यह है कि उन्हों बुद्ध धर्म ने कभी भी गरीबी का उदात्तीकरण नहीं किया. So that's not what I'm talking about here. तो मैं इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about the ennobling of poverty in the way that Baba Saheb rejected. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे जो बाबा साहेब ने कहा है कि गरीबी का उदात्तीकरण या उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. मैं गरीबी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ. What the Buddha Dhamma teaches is voluntary renunciation. पर बुद्ध धर्म ऐसा कहता है कि आप स्व इच्छा से चीजों का त्याग करें. Not enforced poverty. ना कि थोपी हुई गरीबी. It's a completely different thing. तो इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है. We renounce because to renounce makes us free to follow a higher path. हम चीजों का त्याग करते हैं ताकि हमें ये जो उच्चतम मार्ग है उसके ऊपर आरूढ़ होने के लिए मदद मिले. Anyway, that's what Bhante did when he got to India. तो यही भंते जी ने किया जब वे भारत आए तब. So you could say that at that stage of his life, the Arahant ideal was stronger. तो आप ये कह सकते हैं कि उनके जीवन के उस काल में उन अरहंत आदर्श जो है वे काफी दृढ़ था, मजबूत था. But you could say that
later in his Dhamma career, the Bodhisattva ideal became more prominent. और उसके बाद में भंते जी के जीवन में बोधिसत्व आदर्श जो है वो काफी बलवान बन गया. Well, what happened next? He went to Kalimpong under the advice of his teacher Jagdish Kasha. तो उसके पश्चात क्या हुआ? उनके जो गुरु थे जगदीश काश्यप उन्होंने उनको सलाह मशवरा किया और फिर वे जो है कैलिंगपोंग में जाके बस गए. This was after receiving full ordination. तो ये है उनकी जो है भिक्षु करके दीक्षा होने के पश्चात की बात है. And why what did Jagdish Kashyap ask him to do in Kalimpong? और जगदीश काश्यप जी ने बंते जी को क्या कहा जब वो कैलिंगपोंग में थे तब? He asked him to work for the good of Buddhism. और उन्होंने कहा कि यहाँ रहे और धर्म की सेवा के लिए कार्यरत रहे. So that's what he did. और वही भंते जी ने किया. And he stayed there for 14 years. और वे वहाँ पर 14 साल रहे. So what quality does this exemplify, do you think? तो यह जो कृत्य है वो कौन से गुणों को अभिव्यक्त करती है? Well, loyalty to one's teachers. हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जो भी कुछ हमारे गुरुजन है उसके प्रति एक लॉयल्टी जिसे कहते हैं कि उसके प्रति श्रद्धा या फिर भक्ति भाव बना रहे उनके प्रति. Bhante didn't say, what do I feel like? Do I want to do that or not? Okay, I'll do it. माफ कीजिएगा वो निष्ठा है शब्द. तो भंते जी ने कभी ये नहीं कहा ये नहीं सोचा कि मैं ये करूँ या ना करूँ. No, his teacher told him to go to Kalimpong, so he went. तो उनके टीचर ने उनको कहा कि आप कैलिंगपोंग में जाइए और वे गए. And when he was there, he faced a lot of hardship. और जब वे वहाँ पर थे तो बड़ी ही कठिनाई का सामना उनको करना पड़ा. A lot of the time, he had very little money. और बहुत बार ऐसा होता था कि उनके पास बहुत कम मात्रा में पैसे रहते थे. He had to move premises a number of times because he couldn't afford to live there. और काफ़ी सारी जगह उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि वहाँ रहने के लिए जो पैसों की जो ज़रूरत होती थी वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाते थे. But he never gave up and he continued to work for the good of Buddhism in Kalimpong. पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वे हमेशा कार्यरत रहे. He did this by founding an organization, the Young Men's Buddhist Organization. तो उन्होंने वहाँ पर यह कार्य शुरू रखने के लिए यंग मैन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन युवाओं का एक संगठन निर्माण किया. And he founded a magazine called Stepping Stones, a Buddhist publication. और उन्होंने एक जो पत्रिका है Stepping Stone उसकी भी स्थापना की. Now I don't know about you, but I'm not sure I could be loyal to my teachers to that extent. मुझे आपके बारे में पता नहीं है लेकिन मैं मेरा कह सकता हूँ कि जिन किसी की भी दीक्षा होगी आप यह प्रतिज्ञा लेंगे कि जो भी कोई आपके गुरुजन है उनके प्रति आप निष्ठापूर्ण रहेंगे. And when you take that vow, maybe you can bear in mind that Bhante was loyal to his teachers to a very, very high level. तो जब ये आप यह प्रतिज्ञा लेते हैं दीक्षा लेते हैं तब आप यह बात याद रखिए कि किस कटिबद्धता के साथ भंते जी अपने जो गुरु रहे हैं उनके प्रति वे निष्ठावान रहे हैं. And this already reveals something about Bhante's character. और यह जो घटना है उससे स्पष्ट होता है कि भंते जी का जो स्वभाव है वह कैसा रहा होगा. He wanted to give his life, to surrender his ego to something beyond himself. वे चाहते थे कि वे अपना जीवन समर्पित करें ऐसी
कुछ बातों को चीज़ों को जो उनका जो ईगो है उससे परे की बात है. And at that time he surrendered it to the wishes of his teacher. और उस समय जो भी कुछ उनके गुरु थे उनकी जो कुछ इच्छाएं हैं उस पे समर्पित थे वे. But then what? पर उसके पश्चात क्या हुआ? Then he was in Kalimpong. फिर वे कैलिमपोंग में थे. For a long time he didn't have a teacher. और लंबे समय तक उनके कोई गुरु नहीं थे. For a long time he was pretty much alone. वे लंबे समय तक अकेले ही थे. Of course he made many friends. Bhante has always made friends with people around him. Bhante ji ne काफी सारे ऐसे मित्र उनके बने. उनके जीवन में हमेशा वे मित्रों से उनके जीवन में मित्र काफी रहे हैं. But for a long time he didn't have anyone in his life who shared his deep commitment for the Dhamma and his penetrating understanding of it. पर एक ऐसा लंबा समय काल था जिस समय जितनी कटिबद्धता जितनी गहराई धर्म की समझ उनमें थी ऐसा कोई व्यक्ति उनके इर्द गिर्द न था. In this time, he found support from the Bodhisattva idea. और ऐसे समय पर उनको यह जो बोधिसत्व आदर्श है उसका सहारा मिला. And he found support from Shantideva. उनको शांति देव का सहारा मिला. Shantideva is known for two books. शांति देव जो है यह दो जो सूत्र है उसके लिए वे काफी प्रसिद्ध है. The most famous book by Shantideva is the Bodhicharya Avatara. उनमें से एक बड़ी ही प्रसिद्ध है बोधिचर्या अवतार. But when Bhante was in Kalimpong, he discovered Shantideva's other book, the Shiksha Samuchaya. और जब वे कैलिंगपोंग में थे तो आचार्य शांतिदेव की और एक कृति से उनका परिचय हुआ, शिक्षा समुच्चय. This book contains selections from many Mahayana sutras, some of which we no longer have access to. और यह जो सूत्र है उसमें ढेर सारी ऐसी गाथाएं हैं जो उन धर्म सूत्रों से आई है जिसका अभी मिलना कठिन है. अभी मिल वो भी लुप्त हो चुके हैं. And Bhante found great inspiration in this text and in the Bodhisattva ideal that it presents. और भंते जी को इस कृति से बहुत ही प्रेरणा मिली क्योंकि यह बोधिसत्व आदर्श को दर्शाता है. But the Bodhisattva ideal became even stronger in his life when he entered his 30s. जैसे वह 30 साल की उनकी उम्र हुई उससे आगे की उम्र की हो रहे थे तब बोधिसत्व आदर्श जो है उसकी जो प्रबलता है और भी बढ़ गई. So I'm thinking of two things in particular. मैं खासकर दो बातें हैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ. One thing you'll know about more than I do, I think. एक बात है जिसके बारे में शायद आपको ज़्यादा मालूमात है. Bhante met three times with Dr. Babasaheb Ambedkar. उस समय के दरमियान भंते जी बाबा साहेब के साथ उनकी तीन मुलाकातें हुई. Jinaruchi was asking me what is the most important event in Bhante's life. तो Jinaruchi मुझे पूछ रहे थे कि भंते जी के जीवन की सबसे मुख्य घटनाएं कौन सी घटी है. Well, I think probably the founding of the Triratna Buddhist Order is the one most important event if one had to choose one. यदि आपके पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही बात है तो आप कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि वह हमारे संघ की स्थापना है. But there are a few close second places. पर उसके बाद के दूसरे स्थान पर भी कुछ बातें हैं. And I would include Bhante's meetings with Babasaheb as one of the most significant things for the world. और जो भंते जी की बाबा साहेब के साथ जो मुलाकात हुई उसका भी ऐसा कहेंगे कि भंते जी के जीवन में सो महत्व की घटनाएं जो घटी उनमें से वह है. And then Baba Saheb converted to Buddhism, which I regard as the most significant event of the 20th century. और उसके पश्चात
बाबा साहेब ने 1956 में धर्मांतर किया, जो मैं मानता हूँ कि 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। When the mass conversion took place, Bhante was staying with Dr. Mehta, his friend, in Calcutta. जब यह घटना घटी, तब भंते जी उनके एक मित्र है, डॉक्टर मेहता, कलकत्ता में उनके साथ ठहरे हुए थे। No, have I got my chronology muddled? No. I'm talking about I'm thinking of the occasion when Bhante knew that he had to leave Dr. Mehta's place. No, that was 6 weeks later. Excuse me, you can edit that bit out of the film. At the time when Babasaheb died, Bhante was staying with his friend in Kalimpong. In Calcutta. तो जब बाबा साहेब की मृत्यु हुई, तब भंते जी उनके मित्र के साथ कलकत्ता में ठहरे हुए थे। And you know what happened? और आपको पता है कि क्या घटा फिर? Bhante said he knew he had to leave. उनको ऐसा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि उनको अभी जाना होगा। He knew he had to leave, but he did not know why. उनको ऐसा लगा कि उनको जाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि क्यों। Dr. Mehta was trying to persuade him to stay, but he wouldn't. जो डॉक्टर मेहता है, वे काफी जोर दे रहे थे कि आप रुकिए, पर भंते जी नहीं रुके। So he left, and when he arrived in, I assume it was Nagpur, he heard that Babasaheb had passed away. तो जब वे नागपुर पहुंचे, तो उसके बाद उन्होंने सुना कि बाबा साहब का अवसान हो चुका है। So this is one of the most extraordinary parts of our Triratna's whole history, you could say. तो ये हमारा जो त्रिरत्न का जो भी कुछ इतिहास रहा, उनमें से बहुत ही महत्व की घटना घटी है यहाँ पर। Something guided Bhante to where he needed to be. कुछ ऐसी बात थी, कुछ ऐसी घटना घटी कि भंते जी जो है, उसको ऐसा लगा कि उनको जहाँ जाना चाहिए था, वहाँ जैसे नागपुर जाना चाहिए था, ऐसा उनको लगा। Baba Saheb's followers were grief-stricken. जो भी कुछ बाबा साहेब के अनुयायी थे, वे बड़े ही दुख में थे। And they needed someone to give them hope. और उनको जरूरत थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनको एक आशा की किरण दिखाए। And that moment created a connection between Bhante and the followers of Baba Saheb that continues to this day, which is why you're all here. तो वह जो घटना है, उसकी वजह से जो एक बाबा साहेब के अनुयायी है और त्रिरत्न संघ है, उसके बीच में जो एक नाता जुड़ गया, उसकी वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। But what I want to emphasize here is not the big effect that this had on your lives and on the Ambedkarite movement. I don't want to emphasize the effect that this had on your lives and on the Ambedkarite movement. तो इसका जो असर हुआ आपके जीवन के ऊपर, ये जो बाबा साहब के आंदोलन के ऊपर, उसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी जोर नहीं देना चाहता। You know about this much more than I do. तो इस विषय में आप ज़्यादा जानते हैं, मुझसे भी बेहतर जानते हैं। But witnessing the mass conversions strongly affected Bhante's understanding. तो यह जो धर्मांतर है, ये जो घटना घटी, उसका बाबा साहेब भंते जी के समझ के ऊपर भी एक गहरा प्रभाव पड़ा। Bhante realized the potential of the Dhamma as an agent of social change. भंते जी को एहसास हुआ कि बुद्ध धर्म में कितनी क्षमता है कि वह समाज को बदल सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। Yes, Bhante had always been attracted to the Bodhisattva ideal. भंते जी हमेशा ही बोधिसत्व आदर्श से आकर्षित रहे हैं। Yes, he had done what he could to work for Buddhism in Kalimpong. और कैलिंगपोंग में जब थे, तो वो जो भी कुछ
कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की But here he saw the potential of the Dhamma to literally change millions of people's lives. पर यहाँ उनको यह दिखाई पड़ा कि यहाँ पर एक क्षमता है यहाँ पर एक वह संधि है कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लिया जा सकता है So this gave him a new way of living out the Bodhisattva ideal. और यह जो घटना घटी उससे उनको एक नया मार्ग दिखाई दिया और जिसकी वजह से वह ये बोधिसत्व आदर्श उसका और भी गहरा उसको लेके जाया जा सकता है And he continued teaching, lecturing, touring with the followers of Baba Saheb for the rest of his time in India. और उसके पश्चात जितना भी समय भंते जी को मिला तो वे काफी दौरे लगाते थे ताकि उसमें प्रवचन दे सके लोगों से मिल सके और जो बाबा साहब के अनुयायी थे उनका मार्गदर्शन कर सके The other thing I'm thinking of is his connection with his teachers from the Tibetan tradition. और दूसरी जो चीज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वह उनका जो संबंध बना था जो कुछ तिब्बतीय गुरु थे उनके साथ Now, if you look at the refuge tree, all but two of the teachers of Bhante were from the Tibetan tradition. तो यदि आप जो शरण वृक्ष है उसकी ओर देखेंगे तो उनके जितने भी गुरु रहे हैं उनमें से सिर्फ दो जो है वे तिब्बतीय परंपरा से उसका संबंध नहीं है But Bhante said he never felt a particular attraction to Tibetan Buddhism. बंते जी का कहना है फिर भी कि उनका कोई एक विशेष आकर्षण तिब्बतीय बुद्ध धर्म की ओर नहीं था I'm not saying he didn't feel an attraction, but he also very much admired Zen Buddhism, for example. मेरा ये भी नहीं कहना है कि उनका जो Tibetan Buddhism है उसके प्रति आकर्षण नहीं था लेकिन उसके साथ साथ वे उतने ही रुचि जो है दूसरे जो बुद्ध धर्म की शाखा है जैसे जैन बुद्धिज्म है उसमें भी वे रुचि लेते थे But because of his situation in Kalimpong and the political situation of Tibet at the time, he had access to a number of very distinguished teachers from the Tibetan tradition. पर उस समय की जो परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि जो कैलिंगपोंग में काफी सारे तिब्बतीय धर्म गुरु आ रहे थे क्योंकि तिब्बत की जो परिस्थिति थी वह कुछ इस तरह की थी कि वे लोग वहाँ से इधर आ रहे थे और इसकी वजह से बंदे जी का उन शिक्षकों के साथ गुरुओं के साथ ज़्यादा संबंध आया There are a number of very significant things that came out of this. और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं महत्वपूर्ण बातें हैं जो उजागर हुई है One is that he developed a close friendship with Dada Rinpoche. उनमें से एक है कि उनकी और दादो रिंपोचे जो है उनके बीच में काफी गहरी मित्रता बनी And as you know, Kalyanamitrata is one of the foundations of our movement. और जैसे कि आपको मालूम है कि कल्याण मित्रता यह कैसे हमारे संघ में और बुद्ध धर्म में एक मूलभूत ऐसी शिक्षा है Bhante said that primarily he is our friend. Bhante ji कहते थे कि वे जो है मुख्य तौर पर वे हमारे मित्र हैं. Any teaching that happens comes about in the context of friendship. और जो भी कुछ शिक्षाएं जिसकी निर्मिति हुई जो उन्होंने दी वो एक मित्रता के परिपेक्ष में दी गई है. One of the things that gives me great confidence in Bhante is that I'm fully convinced that that's how he met people. और यह भी एक बात है जिसकी वजह से मेरा जो आत्मविश्वास है और भंते जी में और भी गहरा हो जाता है कि इस आधार पर ही वे लोगों से मिलते थे मित्रता के आधार पर। Many many people would come and visit Bhante. अब ढेर सारे लोग जो है वह भंते जी को आते थे उनसे मिलते थे This was a big part of my job was organizing Bhante's visitors. और जो भी कुछ ऐसे मुलाकात के लिए बंते जी की मुलाकात लेने के लिए जो लोग आते थे उनकी उनका आयोजन करना वह भी एक मेरा काम था जब मैं उनके साथ
काम करता था। But I'm completely convinced that Bhante never met people with the attitude of, well, I'm a teacher and you're my disciple. तो जब भी वे लोगों से मिलते थे तो उनका ये दृष्टिकोण नहीं रहता था, ये नज़रिया नहीं रहता था कि मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हैं। And in fact, he said a lot of gurus were actually quite exploitative. और उन्होंने ये भी कहा था कि जो गुरु है वे काफ़ी शोषण भी करते हैं, काफ़ी सारे गुरु। Bhante was not like that. Bhante ji, उनका व्यक्तिमत्व ऐसा नहीं था। Some people say he was, but he wasn't. It's nonsense. कुछ लोग कहते हैं ऐसा है, लेकिन वो नहीं है। When he met people, he just wants to meet them. He wants to communicate. तो जब वे लोगों से मिलते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं। If two people are really communicating, they're really open to one another, well then, it might become apparent that one person has something to teach the other. तो जब दो व्यक्ति मिलते हैं, उनके बीच में संवाद घटता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखा सकता है। Like, I think if most people go and see Bhante and they don't recognize that there's something of particular depth about this man, they're not really communicating with him. तो जो भी लोग उनको मिलने जाते हैं, यदि उनको मिलने के बाद उनको यह नहीं लगता है कि भंते जी के व्यक्तिमत्व जो है उनमें कुछ गहनता है, गहराई है, तो सही में वो व्यक्ति भंते जी से ठीक से उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। So any sort of teacher-student relationships within Sri Ratna, they have to arise out of that basis. तो जो भी कुछ गुरु शिष्य या परंपरा है हमारे संघ में, तो उसका आधार जो है यही रहना चाहिए, इससे ही उसकी अनिर्मिति होनी चाहिए। And that's one of the things that Bhante's friendship with Dado Rinpoche helped him to understand. और यह एक बात है जो भंते जी जब दादो रिंपोचे से मिले तो यह बात उनको काफी समझ में आई। Another important aspect of his connection with the Tibetan teachers was that he took initiation from them into the tantric tradition. तो ये जो तांत्रिक परंपरा है उसमें काफ़ी सारे जो अभिषेक दी जाती है, जो साधनाएं दी जाती है, वह भंते जी ने उन तिब्बती गुरु से ली, ये भी एक महत्व की घटना घटी है। That doesn't mean that then he saw himself as a tantric practitioner. इसका मतलब ये नहीं है कि उन साधनाओं को लेने के बाद वे अपने आप को एक तांत्रिक जो है व्यक्ति मानने लगे जो सराव करता है। Like I've been saying that he saw the Buddhist tradition as unified. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, वे हमेशा बुद्ध धर्म की ओर देखते हैं, तो वे देखते हैं कि वो कैसे एक ही परंपरा है। So it wasn't like he qualified for a higher kind of Buddhism. तो ऐसा नहीं है कि फिर उनको एक प्रमाण पत्र मिल गया कि वे जो है सर्वोच्च ऐसी जो बुद्ध धर्म की शाखा है उससे उनका संबंध है। What it was about was connecting him with the archetypal bodhisattvas. उनके लिए यह जो कुछ घटनाएं घटी उससे उनका जो आदर्श बुद्ध बोधिसत्व होते हैं उनके साथ उनका संबंध स्थापित हुआ। And this became an enormously significant part of his spiritual practice. और जो भी कुछ धार्मिक सराव वे करते थे उनका एक बड़ा हिस्सा यह साधनाएं बन गई। He kept up his connection with the Buddhas and Bodhisattva figures right up to the end. उनके जीवन के अंतकाल तक उन्होंने जो ये बुद्ध बोधिसत्व है उनके साथ वह उनका नाता जुड़ा रहा। And he said that from that point when he received these initiations he felt his whole life was guided from that higher level. और जब उस क्षण से जब से उन्होंने
यह जो अभिषेक प्राप्त किया था, ये साधनाएं प्राप्त की थी उस समय के पश्चात, हमेशा उनको ऐसा लगता था कि उनको जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता था, एक दिशा मिलती थी, और वो जो स्रोत था जहाँ से वो मार्गदर्शन आता था, वो कोई एक उच्चतम ऐसा स्तर था जहाँ से उनको एक दिशा मिलती थी। Well, what does this mean? What are these figures? तो ये जो कुछ रूप है, क्या है वे? Well, that's a deep and difficult topic. तो यह बड़ा ही गहन ऐसा विषय है और बड़ा ही जटिल है। Whether they exist, in what way bodhisattva figures exist, is a great mystery. तो यह जो बोधिसत्व होते हैं, उनका अस्तित्व कैसा होता है, यह बड़ा ही एक रहस्यमय ऐसी बात है। But these bodhisattva figures, you could see as being symbolic representations of the Buddha's awakened mind. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो बोधिसत्व है, वे प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध का मन कैसा होता है, यह अभिव्यक्त करते हैं। So by meditating upon them, we are linked to the qualities of the enlightened mind. और उनके ऊपर ध्यान करके, ये जो बुद्ध गुण होते हैं, उनके ऊपर हम ध्यान करते हैं। So when Bhante said he was guided from that higher dimension, that's what he meant. तो जब वे कहते हैं कि वह जो एक उत्तम स्तर है, एक सर्वोत्तम ऐसा जो स्तर है अध्यात्म का, वहाँ से उनको जीवन में दिशा मिलती है, तो उनका कहने का यही तात्पर्य था। He was guided by the Buddha's wisdom. तो वे उनके जीवन में जो कुछ मार्गदर्शन मिलता था, उसका जो स्रोत है, वह बुद्ध की प्रज्ञा ही है। Well, Bhante's life continued to be guided by the Buddha's wisdom. तो बंते जी का जीवन उनके मार्गदर्शन मिलता रहा बुद्ध की प्रज्ञा से। He was guided by the Buddha's wisdom to eventually leave India and come to the West. तो और फिर उस प्रज्ञा से जो मार्गदर्शन मिला, उसकी वजह से वे भारत उन्होंने छोड़ा और फिर वे वापस पश्चिम गए। As before, I've taken a long time to describe a small part of Bhante's life. जैसे पहले हुआ है वैसा ही आज भी हुआ है, मैंने भंते जी का जो जीवन है उसका एक छोटा हिस्सा बताने के लिए लंबा समय लिया है। There's so much that's rich in significance that we can draw out. तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो काफ़ी बहुत ही समृद्ध है, और उससे क्या सीखा जा सकता है उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। So I'm going to again stop and continue with my story later. तो मैं अभी यहाँ पर रुकूंगा और जो भी कुछ कहानी हम देख रहे हैं तो उसको हम आगे और भी लेके जाएंगे। But I hope this is working for you. और मैं आशा करता हूँ कि जो भी कुछ आप सुन रहे हैं उसका आपको लाभ हो रहा है। I didn't just want to give you a biography, as it were. मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आपको भंते जी की जीवनी से आप सिर्फ परिचित हो जाए। I wanted to draw out how certain significant events in Bhante's life exemplify qualities that he has. तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ एक महत्व की घटनाएं भंते जी के जीवन में घटी है, वह भंते जी का जो कुछ स्वभाव रहा है, व्यक्तिमत्व रहा है, वह कैसे उजागर हो, उससे हमें समझने के लिए मदद मिले। And in doing that, it gives us both something to revere in him and something to emulate in our own lives. और ऐसा करने पर हमारी जो श्रद्धा है उनके प्रति, उसमें वृद्धि होगी, और उसके साथ साथ हमें एक उदाहरण मिलेगा कि धर्म जीवन कैसे जिया जाए। So what I suggest now is to do something a bit different from yesterday. तो आज मैं एक सुझाव रखूंगा कि जो भी कुछ कल हमने किया उसे थोड़ा सा कुछ अलग करें। Yesterday you had a sharing session of your experience of encountering Bhante and his effect upon you.
तो कल आप लोगों ने देखा कि आप लोग का जो भी कुछ महंती जी से जो नाता था वो आपने अपने गुरु में ग्रुपों में शेयर किया. My impression is that that was a very moving thing to do. और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करने से आपको काफी प्रेरणा मिली. Now let's enter a more meditative mode. तो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे उसको चिंतन ध्यान के माध्यम से उसको देखें हम. Would that be all right? Yeah. So what we could do is chant and meditate. तो हम जो है ध्यान करेंगे, मंत्र पठन करेंगे. I don't know if you know, but Bante particularly asked for 5 mantras to be chanted around the time of his death. मुझे पता नहीं, शायद आप परिचित है कि नहीं इस बात से कि भंते जी ने 5 मंत्र चुने थे और वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उसका पठन किया जाए. Those mantras are the mantra of Shakyamuni, of Manjushri, of Green Tara, of Amitabha, and of Padmasambhava. So, if you find yourself with some spare moments in this retreat, that's something you can do. तो जो भी कुछ आपको खाली समय मिलता है शिविर के दरम्यान, जब आपके पास समय रहता है, तो आप मंत्र पठन कर सकते हैं. You can bring Bante to mind and chant a mantra for him. तो आप भंते जी को याद कर सकते हैं और उनके लिए ये मंत्र पठन कर सकते हैं. Now I don't know where Bante's consciousness is now. मुझे नहीं पता कि भंते जी की चेतना अब कहाँ पर होगी. But I think it's at least possible that it's still around. पर मैं सोचता हूँ कि यह संभव है कि वह चेतना अभी भी हमारे इर्द गिर्द ही है. According to the Tibetan tradition, the consciousness takes a while to sort of fully withdraw from the world. ये जो तिब्बतन परंपरा है उसके अनुसार उनका कहना है कि यह जो चेतना है यह संसार से उसको छुटकारा मिले उसके लिए थोड़ा समय लगता है. So it may be that Bente is in some sense in touch with us now. और कुछ तरीके से हम ऐसा सोच सकते हैं कि भंते जी हमारे संपर्क में है अभी भी. And it may be that when we chant mantras for him, keeping him in mind with gratitude in our hearts, he can in some way feel that. और यदि हम उनको याद करते हैं, उनको मन में लाते हैं, मंत्र पठन करते हैं, तो कुछ वजह कुछ कुछ न कुछ वे इस बात को महसूस कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. I don't know, but I think that's at least possible. तो पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं, लेकिन संभव हो सकता है थोड़ा बहुत. And in any case, I think it will have a good effect on us, so we should do it anyway. तो ऐसा करने पर हमारे पर तो बहुत अच्छा असर होने ही वाला है, तो हम कर सकते हैं फिर भी.